समझा दूं कि प्लीज अगर आपके पीछे कहीं भी बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो, पंकज जी की वाइफ पूरे बाल वाल काट के बैठ रहे हैं, दोबारा काट रहे हैं कि बाय चांस कहीं खराब ना दिखूं। मैम पूरा टाइम लो, आप भी स्वाति हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा टाइम लो, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। आप बाल वाल काट के कंगी अंगी जो आपके टूटे वाल है उनका गुच्छा बना के जो आप अपने पति की जेब में रख रहे हैं, मैं वो भी देख रहा हूँ। असदो जी मैं मान गया, मुझे पता है कि आप अंदर से बहुत भरे बैठे हो बताने के लिए, बातें करने के लिए। मैम आप इनके साथ कहीं जाते हो घूमने, बाहर जाते हो घूमने? हाँ यस मैम। कौन? मैं? हाँ तुम, बस तुम। अजय 10 साल हो गए आज, हमारी 10th एनिवर्सरी आज, 10-10-10 को एंगेजमेंट हुआ था हमारा। सर यस सर, आप सर आप पोस्टर अपनी छाती पे लिखवा के टैटू क्यों करवाते छाती पे? ये सबको पता है, यहाँ सबको पता है कि 10-10 को आपका 10-10 हुआ था और 10-10 को 10-10 हो गया आपका, वो सबको पता लग चुका है यहाँ पे। आप क्या सोच रहे हो कि सबको केक खिलवा रहे हो तो केक बंटवा दो, या तो केक बंटवा दो आप सबके लिए? मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ। नहीं नहीं सर, नहीं चाहिए सर, हमें नहीं चाहिए सर। 10-10-20-20 हो गया, कोई पीछे किसी को गाइड कर रहा है कि ऑडियो ऑन करना, ऐसे ये ऐसे लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। देखो बहुत बढ़िया। विशाली आप इंजीनियर क्या करते हो? विशाली आप कहाँ पे जॉब करते हैं, कहाँ से हैं आप? मैं पुणे से, मैं बार्कलेज में जॉब करती हूँ। अरे बहुत बढ़िया, बार्कलेज सही, बढ़िया सही कंपनी पकड़ ली। मैं पुणे से नहीं बट महाराष्ट्र से, सोलापुर से। फाइन फाइन, गुड टू हैव यू। अशिक, अशिक नाम है, अशिक बेवाक बेकल, ये कैसा नाम है? तो क्या दोबारा प्लीज, मैं सॉरी टू लाइक मिस प्रोनाउंसिएट इट, आपका नाम बता, आप खुद ही बता दो। आशिक बेकर। आशिक बेबाक नहीं, तो उसने भी बेबाक पढ़ा था, मैं समझ गया था, मुझे भी लगा था बेबाक। बेबाक तो सिर्फ एक ही है, आशुतोष जी, टन 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 डारा, वही है हमारे बीच में आज, ठीक है। हाँ आशिक भाई, नाम कैसे पढ़ा? आशिक, आशिक का नाम कैसे बनाया आपने? नाम आशिक बनाया आपने? तो पापा मम्मी की लव मैरिज थी, तो उनकी आशिकी थी तुम? ओह माय गॉड, आपका छोटा भाई नाम आशिक। मैं हूँ आशिक, आशिक का वारा, वो रखते नाम बढ़िया रखता आपके ऊपर, बट के बाद आशिक क्या करते हो आप आशिकी के अलावा? मैं मैनेजर हूँ एक आईटी कंपनी में। पर आपके आपकी आपकी जो आपके अगर आपके कोई फीमेल कोलीग नीचे होगी तो कैसे लगता होगा? मुझे लगता है मेरे मेरे बॉस आशिक हैं। उसके 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 फोन पे लेके आ रहा, उसके फोन पे आशिक, आशिक कॉलिंग, आशिक कॉलिंग, आशिक कॉलिंग। प्रॉब्लम, सॉरी सॉरी, क्या सॉरी, भी होंगे तो भी बुलाते होंगे। लव शर्मा, लव लव इज स्टिल फाइन, लव मैं मान सकता हूँ, बट आशिक तो मैम बिल्कुल पक्का हो गया। कोई बात नहीं, थैंक गॉड किसी का नाम नेचर नहीं था, वरना नेचर कॉलिंग हो जाती फोन पे। तुम लोग यार छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। बट आशिक कभी सबसे वियर्ड, मतलब एग्जांपल पूछ रहे, कब सब वियर्ड एक्सपीरियंस क्या रहा होगा इस नाम से? आई एम जस्ट आस्किंग रैंडमली, कभी कभी कुछ तो दिक्कत हुई होगी, कभी आपको आपको भी हंसी आई होगी कि क्या मतलब ऐसा कुछ, या प्लीज मतलब वो होता है कि नाम पूछ लिया फिर अगला क्वेश्चन होता है किसका। गुड, तो कोई बंदा पीछे आवाज करता रहेगा। मैं हूँ लेकिन सुन, तेरा पहले म्यूट कर, म्यूट कर प्लीज, म्यूट कर। इस जो भी हैं इन्होंने मानो आपको चार लोगों को फोन करके बताया हुआ कि मैं जूम शो लाइव देख रही हूँ कॉमेडी, तू बाद में कॉल करियो, चार बार बोल चुकी है। निकिता जी समझ रहे हो आप? निकिता जी कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त। मैम बिल्कुल आपने प्रॉपर हेडफोन लगा रखे, मुझे लग रहा है काफी पूरे दिन आप पूरा दिन जूम कॉल पे रहते हैं आप, लग रहा है मुझे। नहीं, केवल बेटी के क्लासेस अटेंड करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते जूम। तो मैम पूरे दिन ही चलती है क्लासेस, तो कोई बात नहीं, बच्चों के साथ जूम पढ़ाई कर रहे हो, आप भी जूम पे पढ़ाई कर रहे हो वापस। बट गुड मैम, और कहाँ से देख रहे हैं मैम? निकिता जी आप कहाँ से देख रहे हैं और क्या करते हैं आप? पुणे से, अभी तो मैं होम मेकर हूँ। होम मेकर, अरे मैम होम मेकर ज्यादा चैलेंजिंग काम है। यस मैं बताऊं, लगता है हमारे को होम मेकिंग में क्या है, सिर्फ खाना बनाना और ये करना, ना ना ना, पूछो पंकज जी से पूछो, रोज घर पे बर्तन मांज रहे हैं, रोज सफाई कर रहे हैं घर की, पूछो। मैं नहीं मांजती, मेरे हस्बैंड मांजते। मैं वही तो कह रहा हूँ, तभी बोला पंकज जी से पूछो, मैंने तभी तो बोला पंकज जी से पूछो आप। बट मैम गुड टू हैव यू। और आप जॉब करते पहले क्या करते थे मैम? आई वॉज इन अ बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ट्रेजरी।
अच्छा बैंक ट्रेजरी में थे आप, बैंक आप उसमें थे और वैशाली बार्कलेज में काफी तरक्की कर रहे हैं। नकुल एक लौता ऐसा इंसान है जिसने पहली बार देख रहा हूँ कि किसी के बैकग्राउंड में डंबल रखे हुए हैं। हाँ वो अभी घर से वर्कआउट कर रहा हूँ तो इसलिए। घर से वर्कआउट मतलब पैसे पहले कहाँ से करते थे वर्कआउट? तुम जाता था ये टीवी के ऊपर रखे डंबल आपने? टीवी के ऊपर रखे डंबल? नहीं वो ऐसी टीवी कैबिनेट है पड़ा हुआ था उसके ऊपर रखा हुआ है। बहुत ही अलग अलग शौक है, कहाँ से देख रहे हैं आप ये शोस्टर? ये इंटरेस्टिंग आदमी है, बताओ कहाँ से देख रहे हैं? मैं उमरेड से देख रहा हूँ। उमरेड्स कहाँ पर है सर? ये से 45 किलोमीटर पर है एक टाउन, वहां से। मुझे लग रहा है मेरा ये सारा शो पुणे के साइड जा रहा है आज। ये विदर्भ में भी है। मैं समझ गया सर, ये कानपुर भी है सर, कानपुर। आशुतोष जी को अगर बाय चांस 30 सेकंड के लिए इम्पोर्टेंस ना मिले ना तो ये थक जाते हैं। मुझे बोलना है बस 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 प्लीज मैम। बहुत स्टैंड अप कर रहे हैं घर में। मैम वही कह रहा हूँ, वो तो आप करवा रहे हो, आप जबरदस्ती करवा रहे हो उनसे। ये खड़े होके पंखे साफ करते हैं, खड़े होके बर्तन मांजते हैं, स्टैंड अप का पार्टी है वो सारा। नहीं आपने भी बोला था पहले स्टैंड अप शुरू होने से पहले जाके देखते थे किसी और का। हाँ, तो इसलिए हाँ, मैंने बोला ढंग से सीख लो अभी देख के। मैम इट्स एन ऑन स्टेज आर्ट, यू कांट लर्न ऑफ स्टेज। व्हेन यू गो एन नंबर ऑफ टाइम्स ऑन स्टेज देन ओनली यू विल लर्न। अब 10 साल हो गए, 10-10 को इनकी शादी हुई थी, 10-10 को इनकी सगाई हुई थी, 10-10 को इनका हुआ था, 10-10 चलेंगे 9-12, तो आप समझ आप सबको पता लग चुका है कि इनकी 10-10 को हुई थी, 10-10 को 10-10 हुआ था इनका, आपको समझ में आ गया सबको? तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो काफी लोग। अरे अंजलि कैसे हो? अंजलि वंस अगेन हायर, अंजलि ठीक है? अंजलि हाय अंजलि। अंजलि एक वो लड़की है जो हमारे हर शो में आती है, हर दो शो के बाद एक शो में आ जाती है क्योंकि कुछ जोकों को लिख लेती है कि ये समझ नहीं आए तो अगली बार सुन के फिर क्लियर करती है। ओ माय गॉड, पिछली बार तो एक जोक पे खुद बोली करी, ओ मैं तो डबल मीनिंग ले गई थी इस बात का। तो आप देख रहे हो कि कितना कितना ऑडियंस को केटर करना पड़ता है मुझे, बट कोई बात नहीं, गुड टू हैव यू। आप कहाँ देख रहे हो? आप गाड़ी में बैठ के देख रहे हो, बस में देख रहे हो, क्या हुआ? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर डिनर करने आया था तो इस बीच 9:30 बज गए, तो मैं अभी डिनर छोड़ के कार में आके बैठ गया हूँ वापस से। अरे नहीं आप डिनर कर सकते हो आप इफ यू वांट, मैं आपको नहीं आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप नेक्स्ट वीक भी शो है, आप इस सैटरडे को सेम मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा सैटरडे में इफ यू आर ओके विद इट। नहीं 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 हां ठीक है, इतने खराब है दोस्त तुम्हारे? मैं सुबह से वेट कर रहा हूं। अरे नहीं थैंक यू कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको पता लग चुका है कि आशुतोष जी की 10-10 को 10-10 हुआ था तो आपको ये पता लग चुका है, तो दैट्स हाउ इट विल वर्क। बट चलो कोई एक बंदा आएगा। ऋषभ देख रहा है भाई? हां सर देख रहा हूं, सर देख रहा हूं। ऋषभ तुम्हारे बालों को देख के और तुम्हारी दाढ़ी को लगकर लग रहा तुम टिकटॉक बनाते थे पहले। चेहरे पे लग रहा है रेगुलर बनाते हो, प्रोफेशनल लग रहे हो मुझे आप। जैसे पंकज जी है, पंकज जी के चेहरे पे लिखा है कि मासूम पति, गरीब पति, परेशान पति। आशुतोष जी के तो अगर आपको पता ही है, 10-10 हो ही गया उनका तो आपको पता ही आपको। बट कोई बात नहीं। हाय सुची जी कैसे हैं आप? सुची कहाँ से, वो कहाँ से देख रहे हैं आप? पुणे से तो नहीं देख रहे? प्लीज बताइए, प्लीज टेल मी पुणे नहीं हो आप, प्लीज। सब मेक मी क्रेजी, ड्राइव मी क्रेजी। चलो ठीक है, और कितने पुणे से बता दो पहले चीज, पुणियंस प्लीज। जबरदस्ती किसी भी फॉर्म में फिट नहीं होना, आप डंबल करो, अपने एक्सरसाइज करो। आपके ट्राइसेप्स लैग कर रहे हैं, आपके ट्राइसेप्स लैग कर रहे हैं, प्लीज ट्राइसेप्स से फोकस कीजिए आप, ठीक है? कोई बात नहीं, नकुल मैं आपके साथ आऊंगा, कोई बात नहीं। पंकज जी ठीक है आप? बिल्कुल पंकज जी ठीक है। स्वाति जी आप आराम से चिल का, पंकज जी स्वाति जी कोई बात नहीं, जब तक आप पैर दबाते रहिए, बीच बीच पैर दबाते जाइए भाभी जी के। अरे मैम क्या लेने लगी आशुतोष जी, आपकी वाइफ स्वाति जी क्या करने लग गई? वो चाय लेने जा रही है। हाँ तो आपका नहीं बनता, आपका नहीं बनता कि आज आप लेके सरप्राइज करो उनको, आपका नहीं बनता? शर्म नहीं आ रही आपको? नाश्ता और खाना बना दिया। बहुत बढ़िया, गिव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज। काफी मजबूर पति, काफी मजबूर पति, गिव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज। 10 साल में आज की पहली बार, क्योंकि आई एम नॉट वेल टुडे, पहली बार। तो मैम 10 साल में पहली बार बीमार पड़े हो, आपका मतलब ये कहने का मतलब था?
बाहर से नहीं ले सकते नहीं, अरे नहीं कोई बात, अरे मैम कोई बात नहीं, आपको देखो 10 साल मिल रहे हैं, आप तो उस चाय को फ्रेम करवा लो अब आराम से बैठिए मैम, क्या आपके घर में एक ही स्टूल है क्या चक्कर है सर, 10th ईयर 10th एनिवर्सरी पे टेंटनाटन पे आप कम से कम कुर्सी देते रहे, खड़ी होकर देख रही है वो औरत, अच्छा लग रहा है ये बात हमारे दिल्ली में होता ना, दिल्ली में होता अगर सीट नहीं मिलती हम बैठा लेते गोद में बैठा लेते बंदों को, ऐसा मैं ऐसा मना नहीं करते हम ऐसा बैठा लीजिए प्लीज बैठा लीजिए, वैशाली देख रहे हो मैं तो मौके का इंतजार कर रहा हूं वो बोलते हैं मैं खुद बैठ जाऊंगा तुम्हारे ऊपर लग रहा है इनको, इनको लग रहा है आपको इनकी 10 साल हुए हैं, टेंटन आटन टेंटन हुआ है इनका, आपको लग रहा है इनको कैसे कर, वो भी बताओ अरेंज मैरिज था हमारा, अरेंज मैरिज सर, आपकी लव मैरिज तो होने वाली भी नहीं थी थी लेकिन टूट गई क्या करे हैं, थी लेकिन टूट गई क्या करे, किस्मत वाली है वो, बीवी से मिलवाया अभी उसको उसी नाम से बीवी बना लिया, माय हिंदी इज वेरी बैड तो उसकी, अरे कोई बात नहीं, इनकी कौन सी अच्छी थी बताओ हां हां प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू करो, आप बोलो, आप आपका आपका हक बनता है हां, उनकी गर्लफ्रेंड का नाम भी सेम था तो इसीलिए गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो बीवी उसी नाम से बन गई क्या बात है, आप फिर आपका स्वाति नाम पे भाग गई, वो देखो भाग गई डर के मारे चलिए कोई बात नहीं, कृति देख रहे हो आप क्या चल रहा है, हाय कृति क्या लिखा है टी शर्ट के ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा बॉब मार्ले, मुझे लगा बैंक ऑफ बड़ौदा मार्ले ऐसा मतलब मैं इट्स फाइन सॉरी इट्स फाइन एक्चुअली सारे बैंक वाले लोग बने पड़े, सारे बैंक वाले लोग आए हमारे शो में, क्या करूं मैं अरे कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, कृति मतलब आर यू सिंगल, आर यू मैरिड, आर यू मतलब व्हाट इज द स्टेटस, सिंगल सिंगल ओके नॉट मैरिड, आपने देख लिया 10 साल हो गए इनके टंटन टंटन गले पति हैं ये, इनके देखो क्या हो रहा है जिंदगी में ऐसे कभी भी पता मिले अवॉइड करना ठीक है ठीक चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, द्विति आप पहले आए हो शो में कभी, आप आए हो मैं समझ गया द्विति, अच्छा आप पहले शो में क्योंकि आपको देखा हो इसलिए मुझे याद रहता है, क्योंकि काफी जब आप 2-3 घंटे किसी के साथ रहते हो शो में तो आपको याद हो जाते हैं चेहरे, हालांकि मैं आशुतोष जी को भूल जाना चाहता हूँ है सर मुझे नहीं करना सर मुझे करना ही नहीं आपके 10-10 पे आप 10-10 पे इतनी आपकी 10-10 बेइज्जती होंगी कि आपको 10-10 में 10-10 मजा आ जाएगा बात नहीं दीपा जी कोई बात नहीं, दीपा जी क्या करते हैं आप, दीपा जी दीपा हैदर हेल्दर हेल्दर या सॉरी हल्दर दीपा हल्दर हल्दर हेलो अलग ही निकल रहा है, तुम जो बोल रहे हो गेस कर रहे हो कुछ अलग निकलेगा ये कोई बात नहीं, दीपा जी क्या करते हैं आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, मैं PhD कर रही हूँ एक्सएलआरआई जमशेदपुर से, ओके तो आपका आप अच्छा कर रहे हो किस सब्जेक्ट में, मार्केटिंग, मार्केटिंग में, तो आपका है कोई, आपको कभी कल के दिन PhD करने का विचार है, जिनकी 10 साल शादी को गए और फिर उनका पेट्रोल खत्म ना हो रहा हो बस पूछ रहा हूँ रैंडमली वो भी बताएंगे कि हमारे बैंक में कितने पैसे आते हैं हर महीने, सब बताएंगे आपको, आपका इनका आधार कार्ड नंबर क्या है, इनको पड़ोस में कौन रहता है, लास्ट महीने इनका बिजली का बिल कितना आया था, सब बताएंगे आपको वैशाली, सब बताएंगे आपको लोग देखो सॉरी सॉरी हाँ देखो अपने आप बता के हंस भी देंगे खुद ही चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक तो वर्क फ्रॉम होम कितने लोग कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं सारे कर रहे हैं, मुझे ये तो समझ में आ गया कि वर्क फ्रॉम होम ने आपको एक चीज तो सिखा दी है कि आप अपने बॉस को ना नहीं कह सकते आप काम के लिए yes. मेरे दोस्त को तो लैपटॉप रात में इतना गर्म हो जाता है, कह रहा भाई मैं उसी पे रोटी बना लेता हूँ कह रहा 12 घंटे ऑन ही रहता है, 12 घंटे ऑन ही रहता है ये तो है देखो, देर वॉज अ टाइम वेन वर्क फ्रॉम होम वॉज फन नॉट नाउ कोई एक बंदा जो पीछे बात कर रहा है बट वो मान नहीं रहा है वो बात देख रहा हूँ भाई देख रहा हूँ हाँ मोस्ट लाइकली वो नकुली दिख रहा है मुझे, नकुल लग रहा है मोस्ट लाइकली बट कोई बात नहीं, कौन मैं हाँ तुम हाँ बस तुम सो हो मजे कर नहीं चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, 2 साल रहा हूं मैं बताऊं, 2 साल मुंबई में रहा हूं, 2013 से लेके 15 में रहा हूं, 2 साल मैंने महाराष्ट्रीय में 2 वर्ड सीखे हैं, इकड़े तिकड़े
मेरा मेरा बॉस बोलते बेटा कहाँ पहुंचे इकड़े, कह रहे कब आओगे तिकड़े, बस इकड़े और तिकड़े. मैंने 2 साल निकाल दिए इकड़े तिकड़े में. यस यस. हर्षा जी कैसे हैं? हर्षा तिवारी. मैं बढ़िया हूँ. आप दोनों कौन कौन थोड़ा बता दीजिए अपने बारे में. आप भी हस्बैंड वाइफ हैं? ये तो रिश्ते गलत निकल गए, वो उसकी मौसी हैं. ये रिश्ता तो शायद हम अगर डम शराज में भी 3 मिनट खेलते तो तब भी नहीं खेला. नाम क्या बता दो लास्य, क्या मतलब होता है इसका लास्य? हाँ भाई लैकरा बोलना था बट मैंने बोला नहीं. लायरा बोलना था. लायरा अरे वाह. और आप क्या करते हैं लाइसा जी? आप क्या करते हो? आप डेंटिस्ट हैं? योगिता पाल तब से लेके अभी तक खाई जा रही है, रुकी नहीं रही है. धृति ने पूरा बर्गर खत्म कर लिया, 2 बर्गर खा चुकी है तो इतनी देर में, पता भी नहीं लगा, पूछा भी नहीं. कम से कम इतने मेहमान आए, कम से कम एटलीस्ट पूछ लो. आशुतोष से मत पूछते, मैं मानता हूँ. आशुतोष से मत पूछते, मैं मान लेता. मेरा डिनर टाइम है अभी 7:30 बजे, इसलिए मुझे भूख लगी थी. कोई बात नहीं. तो बाकी लोग ऐसे मतलब मन में नहीं खाते, ऐसे खाने के बाद नहीं खाते खाना ये. योगिता जी क्या, योगिता जी कहाँ से देख रहे, क्या करते आते हैं? नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ. मैं चेन्नई से हूँ. योगिता जी कहाँ से हैं? योगिता जी मैं चेन्नई से देख रही हूँ आपको. ओके कोई बात नहीं. आप कहाँ? चेन्नई में हूँ. हाँ मैं मान गया, चेन्नई में हूँ, चेन्नई से देख रहा हूँ, मान गया. सुरेश सुरेश मैं बात कर रहा हूँ, मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ. सुरेश सुरेश मैं मान, बट नहीं नहीं कोई बात नहीं. क्या करते हैं योगिता जी, क्या करते हो? ठीक है. अरे कोई बात नहीं, बहुत प्यारे हो आप. कहाँ से, आप क्या करते हो योगिता जी? हाँ R&D. ओके बात नहीं, कोई बात नहीं. ओके कोई बात नहीं, मैं ज्यादा छेड़ूंगा नहीं. मैं समझ गया कि आप अलग ही एटीट्यूड में, मान गया मैं. अरे आप बहुत प्यारे, आप बहुत प्यारे योगिता जी. योगिता जी वी नीड पीपल लाइक यू. अरे नहीं सॉरी मत बोले यार, हद हो गई दोस्ती में. नो सॉरी नो थैंक यू ओनली कैश. ठीक है चलो ठीक है राइट. अभी क्या हुआ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ ऋषभ, तैयारी कर रहे हो टिकटॉक बनाने की? शर्ट में कीड़ा चला गया. अच्छा मुझे लगा टिकटॉक बना रहे हो. You can make a TikTok out of this also. Rishabh ji, please. Yeah. Sir, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, काफी सालों से आपको वॉच कर रहा हूँ और TikTok से नहीं रहता हूँ मैं. फिलहाल मैं I'm in Merchant Navy और सेल कर रहा हूँ थर्ड ऑफिसर. सर कुछ चीजें हैं. तो बाल कैसे मेंटेन करते हो आप? ये बाल कैसे मेंटेन करते हो इतने? समुंदर का पानी लगा के सर. मैं तो हाँ, तुम लड़कों को लेके नमकीन बनोगे तुम हैं? तुम्हारे टेस्ट ही खराब हो रहे तुम लोगों के. यार आजकल लड़कों के ना टेस्ट ही खराब हो रहे हैं, हद हो गई है. नहीं नहीं बट कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे समुद्र में आपके आप एक आपकी मतलब पूरी बोट जो अभी आपका शिप दिख रहा है और आपके बाल दिख रहे हैं, दो ही चीज दिख रही है. प्रॉब्लम आता है सर जॉब का और साथ में स्टैंड अप का, दोनों चीजें साथ में चल नहीं पाती है बिकॉज शिप पे. मैं ऐसे मैंने एक और शो बनाया कि डिस्कस विद रजत, उसके मैं 2000 रुपए लेता हूँ अगर आपको भी लेना हो. आपकी सारी समस्याएं मैं सारे समाधानों का पेपर पे लिख के गारंटी इलाज करके देता हूँ. पेपर पे लिखता हूँ मार्कर से पूरा स्टैंप लगा के, वो जब भी होगा. अरे नहीं थैंक यू. हाँ या हर्षा जी प्लीज. रजत पहली बात तो थैंक यू सो मच हमारी बोलिए बट ठीक है कोई बात नहीं. हाँ अंजलि कितना खाओगी तुम? अंजलि को कटोरियों का भी वेट नहीं हुआ, उसने पूरी भगोनी पकड़ रखी है. भगोनी नकुल वो डंबल ही करने लगा बीच में, डंबल करने भी था कि डंबल कर लो. मेरा बर्थडे था तो कॉल आया था. अरे आज आपका बर्थडे था? आज है अभी.
अरे है अभी, अरे यार विशिंग यू, यार विशिंग यू, ताली दो भाई, ताली दो भाई, ताली दो भाई के लिए, ताली दो भाई। बेस्ट फ्रेंड नहीं बनना हमें यहाँ पे, बेस्ट फ्रेंड नहीं बनना। हाँ मैं ये बोल रही थी कि एक बार तो मैंने आपका ऑलरेडी देखा है अहमदाबाद में लाइव शो, आप ऑसम। अच्छा आप आए तो अभी, अभी 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 इंस्टाग्राम पे भी हमारी लाइव चैट हुई थी। ओके 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 ओके। हाँ तो आपके लिए तो काफी अलग हो गया ना, लव स्टोरी सेम बाकी सब। हाँ, काफी मेरे लिए मतलब कुछ कंटेंट था जो ऑलरेडी सुना हुआ था, लेकिन उसके अलावा काफी कुछ एड ऑन किया, जिसमें स्पेशली आपका लॉकडाउन वाला सारा सारा शुरू करना, सारा शुरू का सारा सारा जो आपका शुरू का एक सवा घंटा, सुबह का एक घंटा, सुबह शुरू का एक घंटा सारा नया सारा वो। हाँ पर वो कॉमेडियंस को एक्सप्लोर करिए आप और शोज देखिए, ताकि आप एज एन ऑडियंस इवॉल्व हो। मैं वही बोलता हूँ कि एक साल बाद मैं जब जिस तरह कॉमिक बन जाऊंगा, आपको भी आइडिया नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं है, क्या पता आपका टेस्ट अच्छा हो जाए और आप अच्छे कॉमिक फॉलो करो, क्या पता मेरा टेस्ट अच्छा है। नहीं नहीं, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, क्या पता मैं इतना अच्छा कॉमिक बन जाऊँ कि मैं आप मुझे फॉलो नहीं कर पाओ, आप मुझे फॉलो नहीं कर पाओ। तो यार मतलब तुम्हारी पहले मैं तारीफ कर दी, नहीं नहीं तुम्हारे पहले वाले में तारीफ कर देगी, तुम ऑडियंस इवॉल्व हो जाओ, पर मैंने अपनी इवॉल्वमेंट की बात कर दी तो हंसने लग गए तुम लोग, कितने बुरे लोग हो यार। या हर्षा जी कुछ कह रहे थे आप, हर्षा जी प्लीज। मैं ही बोल रही थी कि आपके जो कंटेंट है, मैंने अब लास्ट टाइम भी जब भी बोला था, वो ये है कि लाइक हम इतना अच्छे से रिलेट कर पाते हैं उसको, बिकॉज वो कहीं ना कहीं मतलब हम लोग नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं। डोंट ट्राई हर्षा जी, या प्लीज प्लीज प्लीज, या नकुल जी प्लीज, नकुल जी प्लीज डंबल मत मारिएगा प्लीज। हाँ नकुल सर, सब पहले तो ये बताना चाहता हूँ, जब हम वर्क करते हैं तो हम ऐसे बैठ के काम करते हैं, बट आपका वो देख रहा था तब मैं ऐसे करके देख रहा था। हाँ मैं देख रहा था, आपने वी गले का नेक पहना था, काफी डीप नेक पहनी थी आपने, मैं देख पा रहा था। मैंने काफी कोशिश की थी कि मैं ये ना देखूं, बट क्या करूं मतलब, अब क्या करूं मतलब, दिख गया तो दिख गया। लाउंजी जिम बारमा की व्यू भी है, मैं पता मुझे। या प्लीज, काफी अच्छा लगा सर आपका शो, और इसके पहले मैंने एक जाकिर खान का देखा, भाई जी का, जाकिर भाई का देखा हुआ, उनका भी काफी अच्छा था, और आपका भी देखा, तो आपके दोनों के शो मुझे काफी अच्छे लगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, आपको अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आई होप यू हैड अ रियली गुड टाइम। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। गर्लफ्रेंड आपसे चिढ़ गई अभी। अच्छा चिढ़ गई। आपकी गर्लफ्रेंड भी है। यार तुम लोग, योगिता ऐसे नहीं हंसते यार, योगिता तुम्हारा भी सवाल आएगा नेक्स्ट। या प्लीज, हाँ गर्लफ्रेंड, हाँ प्लीज प्लीज। हाँ, तो उसको पता कि आप उसकी बॉयफ्रेंड हो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो भी, चलो जो भी है, चलो यार प्लीज प्लीज। हेलो सीरियस सवाल, बंदा सवाल पूछ रहा है, सवाल के साथ मजाक नहीं, जवाब मजाक होगा, जवाब मजाक होगा, सवाल मजाक नहीं होगा, ठीक है। या प्लीज, तो मेरे बीच में कॉल आ गया था, तो मैंने कहा कि मैं आपका शो अटेंड कर रहा हूँ, बाद में बात कर, तो उसने काफी अच्छा सा वीडियो भेजा मुझे, उसी के साथ बने, उसी के साथ बने बना लो। मैं बोला मैं बाद में देखता हूँ, तो वो बोले तू अब सिर्फ वीडियो देख, बोले उस कॉमेडियन का, या ऐसे बंद कर, अभी ऑनलाइन नहीं आ रही है। नकुल जी, नकुल जी, आई थिंक आपको बर्थडे पे पता लग गया कि आपको नई गर्लफ्रेंड की जरूरत है। बट नहीं नहीं नहीं, आई जस्ट, तो सर मैं वीडियो करता हूं, आप सॉरी बोल दीजिए उन्हें। मैं क्यों सॉरी बोलूं, मेरी क्या गलती है आदो भाई। मैं क्यों सॉरी बोलूं, निकिता जी आप बताओ, हमारी सॉरी बोलने का मतलब बताओ मुझे, आप बताओ। कोई संबंध नहीं है बस, कोई संबंध नहीं है, जैसे आशुतोष जी का और आशुतोष जी का और मजाक का कोई संबंध नहीं है, वैसे तुम्हारी बातों का कोई संबंध नहीं है। तो आप बस हाय भी बोल दीजिए, उसके अच्छा लग जाएगा, अच्छा लग जाएगा, अच्छा लग नहीं रहा उसको, मैं कैसे अच्छा लग जाऊंगा। ये फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम नहीं रखा हमने, ये आपने कहा कि आप रजत भाई गजल गा दो,
झुकी झुकी सी नजर, मैं हारमोनियम लेके नहीं गाने वाला भाई साहब ये चीज है, बट ठीक है मैंने उसको लाइव में लेके सुना दो, मैं बोल दूंगा हाय बोल दूंगा, लाइव में ले लो उसको, ठीक है ठीक है आप ले लो आराम से। बाकी पहले आपने अपनी अपनी शर्ट टी शर्ट ठीक कीजिए, गला ठीक करिए आप, ये जंग से बैठिए पहले। एक और प्लीज 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 एक और प्लीज वो लाइफ नहीं लगते क्या क्या जो आप नाम बोल रहे हो लाइसा, वो लाइसा नहीं है वो लस्ट है। कोई बात नहीं वो लस्ट हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जब शो खत्म हो गया तो अब मैं नाम से कोई दिक्कत ही नहीं मुझे, मैं नाम भूल गया सबके, मैंने विशाली बना दिया उसको, विशाली बना रखा है, उसका नाम वैष्णवी है, मैं तो मैंने हो गया। इसने इसने अभी हाल फटाफट न्यूज़पेपर में डाला कि आई एम चेंजिंग माय नेम, उसने डाल दिया, वो जो बीच में गई थी लाइट गई थी तो उसने वही काम किया जाके फटाफट गया हो गया। हाँ सारे मजाक करते, कोई बात नहीं। लाइसा, लाइसा नाम है ना, लाइसा लाश्या। अरे आप लाश हो, लाश हो, मैं जो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ, नहीं कोई बात नहीं, जस्ट जस्ट गेटिंग ठीक है। किसी और का सवाल पहले कोई और, अच्छा योगिता, योगिता का सवाल, योगिता बहुत देर से बोल रही थी, योगिता प्लीज। तो रजत ये बता दो, ये मेरा पहला स्टैंड अप है, स्टैंड अप बोलो ऑनलाइन ले लो पहला ही है, और हाँ, मैं और आपको कभी उम्मीद नहीं था कि आज तो जैसे लोग मिलेंगे आपको शो में। बुरा मत फील करो, कोई बात नहीं, सबके साथ बुरा होना तो हो गया, निकल गया टाइम। प्लीज प्लीज हाँ, तो लाइक बहुत ज्यादा यूट्यूब पे बहुत सारे कॉमेडियन का देखते रहती हूँ। नाम एक्चुअली कॉमेडियन का नाम मत लीजिए, मैं मान गया कि आप सबका देखते हो, मैं सबका देखते हूँ बता रही हूँ, वो काफी इतना रिलेटेबल कंटेंट हो गया ना आपका कि मैं बस पीछे ही पड़ गई, आपके सारे खत्म कर दिए, पिछले वीक से मैं आपकी फॉलोअर बना कि ढूंढ ढूंढ के आपके कंटेंट पढ़ पढ़ के खत्म करे, मैंने जितने देख सकती थी सब देख के, फिर आज आप जानते हो मैंने आपको। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा आपने इतना सारे वीडियो जल्दी क्यों देखे, धरती खत्म हो रही है जल्दी खत्म हो रही है। 2021 में आपने मैसेज सुना क्या व्हाट्सएप पे, 2021 में दुनिया खत्म, ऐसा वाला मैसेज तो नहीं बोल रहे। आपको अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी है कि आप आए, और अच्छा है कि आप बहुत सारे कॉमिक्स का शो देख रहे हो और देखते रहिएगा, उनके नाम मत लीजिए। देखो बताता हूँ, हर एक कॉमिक का अल्टीमेटली गोल है कि आपको वहां सा सके, हर एक की रिलेटेबिलिटी, जैसे मैंने बोला कि आप मेरे किसी ना किसी वीडियो से कनेक्ट हो गए, दैट्स हाउ You are in this show. और इसी तरह से हर कॉमिक की अपनी एक रीचेबिलिटी रीच है और अपनी तरह की वो ऑडियंस ढूंढता है। मुझे इस तरह की ऑडियंस समझ में है, जैसे आप लोग डिफरेंट एज ग्रुप है, निकिता जी हैं, आशुतोष जी को तो खैर हम नहीं काउंट कर सकते, बट ठीक है ठीक है। निकिता जी कह रही है कैसी बात है, निकिता जी थोड़ा मजाक चलता रहता है, थोड़ा आपने वीडियो देखे तो मेरे मजाक करता रहता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं एक्चुअली अभी घर का वो बच्चा बन गया हूँ जो ऐसे, वो देखो फोटो ले रहा है, देखो नकुल फोटो ले रहा है, देखो नकुल बात करो, बात करो नकुल, तुम्हारा म्यूट है, म्यूट है तुम्हारा, बात करो, मैं बात कर रहा हूँ फटाफट, रुको रुको चुप रहना। हाँ बहन जितना जल्दी हो उसे छोड़ दो छोड़ दो, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। आशा करता हूँ कि आपसे इसके रिश्ते खराब ही होंगे, और आगे रिश्ते खराब होंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे नकुल जी, नकुल जी, नकुल क्या हुआ, कुछ नहीं, ब्लॉक नहीं किया उसने अभी तक, दोबारा बात कराओ, दोबारा बात कराओ। वो देख ही रही है आपको। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चल रहा है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है आराम से, अब फोन, अरे हाय, अच्छा दिख रही है, ओह माय गॉड, उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, एन लिखा हुआ उसकी मेहंदी में, देखा मैंने। हाँ उसने लिखा है, उसने लिखा है बिग नो, हाथ पे लिखा है बिग नो। चलो नहीं नहीं मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, अरे आप रहिए लाइन पे आराम से, कोई बात नहीं, बस ठीक है ठीक है। चलो तुम्हारी वजह से क्या हो रहा है कि उसका डीप नेक नहीं दिख रहा, मैं डीप नेक दिख रहा, तुम फोन आगे रखो, डीप नेक दिख रहा है बस। हाँ हाँ हम भी कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं हमें भी यार, चलो ठीक है प्लीज प्लीज ठीक है योगिता जी, हाँ प्लीज योगिता जी, देखो आपके, देखो हमेशा क्या होता है ना कि हमेशा हर बंदा रिलेटेबल होता है, तो धीरे धीरे कारवा बढ़ता जाएगा, मुझे वही बोल रहा हूँ कि एक साल बाद शायद मैं आपके लिए उतना रिलेटेबल ना रहूं, आप भी तो इवॉल्व हो रहे हो ना, आपकी भी तो एज बढ़ रही है, आप समझ रहे हो मतलब, अरे आप तो थम गई, आपकी तो थम गई, आपकी थम गई, आपकी तो, हाँ
हाँ वो चीज है, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स, बट वैसी वैसी चलेगा. बट थैंक यू, आप आए शो में, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. आप और कॉमेडियंस देखिए, आप कॉमेडी को, आप कॉमेडी पसंद करते तो और कॉमेडी देखिए इससे. और मैं आ रहा हूँ आशुतोष जी, आपके पास आता हूँ अभी. हाँ आशुतोष जी, आप पूछिए सवाल. आशुतोष जी का सवाल ले लेते हैं एक मिनट, पहले किसी और का सवाल, क्योंकि आशुतोष जी का सवाल आएगा तो उसका सवाल बचेंगे नहीं. कृति जी प्लीज, कृति जी प्लीज, कृति जी. हाँ मेरा कोई सवाल नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू आर अ वेरी फनी पर्सन. अटेंडिंग द फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडी, सॉरी दैट्स ऑल आई वांटेड टू टेल, एंड थैंक यू फॉर स्टफ. थैंक यू रुदी, आपकी आप बस जब भी आपको टी शर्ट मिले आप प्लीज बैंक ऑफ बड़ौदा हटा के कुछ और लिखिएगा प्लीज. बैंक रुदी, आप बहुत प्यारे हो. आई एम जस्ट विशिंग यू ऑल दी बेस्ट, आप जो भी करो लाइफ के अंदर अच्छा करो, बस आशुतोष मत बनना, बाकी कुछ भी बनो. थैंक यू. तो शगन का लिफाफा दें, शगन का लिफाफा दें. थैंक यू, बाय 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 बाय. नहीं नहीं उसका सवाल था, ये जाना होता है. या मुदित प्लीज, मुदित जी प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रजत फॉर द अमेजिंग शो. हां प्लीज. एंड दीपा हेयर पुल्ड मी कि रजत का शो देखना चाहिए, तो थैंक्स. वहां कहां है दीपा जी? दीपा, अरे दीपा जी हमारी, अरे पीएचडी लड़की है, दीपा का है ना. दीपा 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 एक ही का नाम तो सही लिया है मैंने पूरे शो में. अरे मेरा भी सही लिया है, मेरा भी सही लिया. आप तो रेगुलर. अंजलि तुम्हारे नाम में कोई दिक्कत ही नहीं थी, दिक्कत सिर्फ तुम में है, तुम में. इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू. ऐसी बातें नहीं पाती जैसे लोगों से बात हो पा रही है, जैसे अभी माहौल बन गया, ये हो गया पारिवारिक माहौल. अब पारिवारिक माहौल आशुतोष जी को छोड़ दे, अगर आशुतोष जी हमारे जीजा जी हैं जो पड़ोसी के आए हैं, जो पड़ोसी बात नहीं करने. मैंने अभी ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद जो बाहर के दूर के रिश्तेदार होते थे वो चले जाते थे और सब मैं करता ही हूँ. मैं थोड़ा ग्रेट एंड ऑफ आशुतोष जी एंड इज लवली वाइफ यार. अरे बहुत ही प्यारे हैं. आज इनको 10 साल हो गए पूरे, मतलब 10 साल हो गए. थैंक गॉड की 10 साल मैम आपने संभाला, आपको हाथी पे 26 जनवरी बैठा के आपको. या आपका बनता है कोई बात नहीं, गुड टू हैव यू मैम. और किसी का सवाल, किसी और का सवाल हो. नकुल क्या हुआ, रिश्ता है, रिश्ता है या नहीं है, रिश्ता है या नहीं है? है. दोबारा बात कराओ यार तुम. ये बंदी है फेविकॉल है, छूटी नहीं रही है. नया नया कितना कितना टाइम का रिलेशनशिप है, कितना टाइम का है? दो घंटे दो महीने. ये तो तुम्हारा कोरोना काल का प्यार है, कोरोना काल का प्यार है. लूडो खेलते हैं. काम बंदी मिली, सब्जी लेते हुए. निकिता जी आप देख रहे हो, निकिता जी देख रही है कितने बदतमीज बच्चे बैठे हुए. निकिता जी ये देख रही है. मैं वही मजाक कर रहा था निकिता जी. जी कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं. हाँ कहाँ पे मिली ऐसी, कहाँ से मिली तुम्हारे जिम के आसपास? तो क्या जिम के आसपास क्या होता है? जिम के पास वो जिम में क्या कर रही थी? जिम पे ट्रेडमिल भाग रही थी. नहीं रिसेप्शन वाली इतनी सुंदर होती है, ऐसी नहीं इसके साथ नहीं जाएंगी वो. तुम यार मजाक यार. हाँ दो दिन पहले ही ब्यूटी पेजेंट जीती है वैसे वो. दो दिन पहले तैयार हो क्या होगा लड़कियां हाय हेलो करेंगी उसको तुम्हारे को देखने के बाद. नस काट ली, कह रहा हूँ मैं. यहाँ पे ठंड है, तभी जैकेट पहना हो. ठंड है यहाँ पे. वो कोई दिक्कत नहीं, हमारा टॉपिक जोक हो चुका है, जोक होता है. सबसे पहले सलेक की आंखें बाहर निकल के यहाँ आके वापस करिए, इसने आंखें अंदर डाली वापस. क्या सुन लिया मैंने ये? ओह मैन, अगर शक्ल ही सब कुछ होता तो ऐश्वर्या अभिषेक के साथ नहीं होती, सलमान के खान के साथ नहीं होती. तो तुम अभिषेक बच्चन हो. अब ना बच पाओगे. अरे हर्षा जी कैसे हो? हर्षा जी ठीक हो आप? हर्षा जी आपने कपड़े चेंज कर लिए क्या?
हर्षा जी, हर्षा जी तिवारी, हर्षा तिवारी नहीं मैं तो वैसे ही हूँ, ऐसे बैठी हूँ। अच्छा आपका भाई चला गया, तो आप अभी जब तो आपका भतीजा बैठा था तब आप बूढ़े लग रहे थे, आप जवान लग रहे हो, आप अकेले बैठे हो। ये लॉजिक, अच्छा नकुल की बात में कौन सा लॉजिक लगा था आपको बताओ अभी तक। मेरी बात में लॉजिक ढूंढ रहा हूँ, इसकी बात में इतनी देर से बहस कर रहा है, इसकी गर्लफ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड है, तब तो लॉजिक ढूंढा आपने। शुरू में आते आशुतोष ने बताया कि हमारा 10वां एनिवर्सरी है, वो भी ऐसी एनिवर्सरी नहीं है, वो भी सेरेमनी की एनिवर्सरी है, हमने तो कुछ नहीं बोला, लॉजिक की बात करी। अब लॉजिक, मैं दो मजाक कर दूं तो लॉजिक की बातें करने आ जाती, यही आवाज कर रहे हो। हाँ हाँ नकुल जी, हाँ ब्यूटी पेटेंट जीती है, तो कहाँ था ये, व्हाट्सएप पे वो था ब्यूटी पेटेंट। आपने म्यूट कर रखा, तुमने म्यूट कर रखा है, ऑनलाइन हुआ था, सॉरी ऑनलाइन हुआ था, ऑनलाइन ऑनलाइन। तो ऋषभ ने कितने जीत रखे, क्यूट बच्चे के कितने अवार्ड जीत रखे हैं राहुल, ऋषभ ने हर दिन आता है वन लाइक वन लाइफ वन लिव ऐसा लिखा उसकी। ओ मैन, चलो ठीक है, मजाक हो गया, चलो ठीक है। अभी सवाल था उसका, धरती लास्ट टाइम आपने दृष्टि रख दिया था मेरा नाम, अभी द्वति। मेरी दृष्टि खराब है आपके नाम को लेके, बताइए प्लीज, बताइए। हाँ सवाल था प्लीज पूछिए। पहले मैं थोड़ा वाइन पी रही हूँ, तो आपको भी ऑफर कर रही हूँ कि कैसे कर रही हो ऑफर, नहीं कैसे कर रही हो ऑफर, ये ये लो बोतल ले लो। भाई आई एम, सरनेम चौकसी है, मेहुल चौकसी से रिलेटेड होंगी। हर्षा इस बात में क्या लॉजिक था बताइए मुझे, इसलिए बोलने वाला बंदा बोला बीच में। छोड़ देती हूँ मैं लॉजिक अपना साइड में, सॉरी। प्लीज, वेरी गुड कोई बात नहीं दफ्ती, कोई बात नहीं दफ्ती, बहुत प्यारे हो। अगर आप प्लान करते हो कभी भी वो होता है, नहीं होता ना, डेफिनेटली। हाँ तो वही चीज है, जैसे हमें जाता था कि आशुतोष जी शो में आए बट आ गए, हमने कहा बट मेरी फरमाइश थी। अरे थैंक यू आप स्वाति जी बहुत प्यारे हो, बट इनको नहीं लेके आते ना तो और प्यारे बन जाते। नहीं स्वाति जी, गुड गुड सर स्वाति जी, पर स्वाति जी आपको कौन सा वीडियो लगा जिसके बाद आपको लगा कि मतलब आई शुड फॉलो दिस पर्सन और आई शुड नो हिम, ऐसा? मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया था आपको, उनको बोलने का मौका है। अरे मैंने इससे ज्यादा स्टडी नहीं देखी थी, बट जो भी देखा है स्टैंड अप शो सिर्फ आपका ही देखा है, और इन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद मैं बोला, मैंने आपका इंस्टाग्राम और सब में देखा कि यू डू जूम शोज, तो I do Zoom shows. YouTube पे वीडियो डाल रखे हैं, YouTube पे तहलका मचा रखा है मैंने। Zoom show. वो भी मैंने देखा, हाँ, उसमें ही लिंक में मैंने देखा कि आप shows करते हैं, तो नहीं करते हैं हम। बस थैंक यू, मैं स्वाति जी आपके पास वर्ड्स नहीं है, मैं समझ गया आपके पास वर्ड्स नहीं है, आप बहुत ही प्यारे हो, बट थैंक यू आप आए, आपको अच्छा नहीं, थैंक यू बहुत बढ़िया था शो, बहुत नहीं, बस आप पति को नहीं लाते तो मैं आपके पैर छू लेता, अगर आप पति को लाते पैर छू लेता मैं आपको। बड़ी नहीं हूं, आपकी एज की हूं। अरे हाँ कोई बात नहीं, मेरी एज की देख लो वैशाली। सवाल था कोई और, सवाल कोई बचा जो छूट गया? अरे वैशाली, बेस्ट फ्रेंड मेरी वैशाली। नहीं, but I just want to say these are the best 4 hours I had since this lockdown. I've never laughed so much. Thanks. मैं आशुतोष जी नहीं होता शायद मैं भी यही कहता, आशुतोष जी नहीं होते ना तो मैं भी यही कहता। Also like to thank Salik for making me do this. So yeah. अरे चलो अच्छा एक्सपीरियंस है, और आपकी अभी पहली जॉब है, आई एम जस्ट विशिंग यू ऑल द सक्सेस। आपका भी अभी आपका बहुत प्यारा फेस चल रहा है, बट आप बहुत प्यारे हो, आपका एक साल बाद जब भी होगा आप अच्छा ही होगा आपका लाइफ के अंदर, हमें कॉर्पोरेट का लगा। अरे बस आप थैंक यू, वो कोई बात नहीं, जब आप देख रहे हो जब आशुतोष जी का अच्छा हो सकता है, उनको अच्छी बीवी मिल सकती है, तो आपको तो आप तो करियर की बात कर रहे हो यार, बहुत छोटी सी बात हो गई, छोटी सी तुच्छी सी बात हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट बनी लाइजा नाम, लाइजा सही है बोला मैंने, बिल्कुल देखा, एक्सक्यूज मी, हे गाइस इट्स लास्ट ईयर बाय द वे, इट्स लास्ट ईयर। आप लेबनीज क्यों नहीं रख लेती? लेबनीज फूड, मैंने छह नाम ढूंढ लिए आपके, आपका नाम तक नहीं पहुंच पा रहा मैं। लेबनीज फूड बहुत अच्छा होता है। अगर यही बात अगर आतुष जी बोलते ना मैं रिमूव कर देता हूँ उनको वीडियो से।
कोई बात नहीं, चले ठीक है ठीक है, किसी और का सवाल। थैंक यू कोई और हाँ। किसने बोला? निकिता जी आपने कोई सवाल नहीं पूछा। निकिता जी मैं चाहूंगा कि आप कुछ दो शब्द बोलिए, और दो शब्द बोलिए थैंक यू। एक्चुअली मेरा भी है फर्स्ट टाइम आई एम वाचिंग समथिंग सम शो है। समथिंग मतलब कॉमेडी नहीं थी, समथिंग था कोई शो, किसी टाइप का मैंने कोई भी शो लाइव में आप समथिंग बोलते, आशुतोष जी को बोलते समथिंग में सुन लेता मैं बिल्कुल बिराड नहीं करता। तो ये मतलब मैंने किसी भी टाइप का कोई शो नहीं देखा था आज तक, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वाचिंग। और जैसे सबने कहा कि बहुत सारे कॉमेडियंस को हम यूट्यूब पे देखते हैं, और बहुत सारे कॉमेडियंस को मैं फॉलो भी करती हूँ। फॉलो मतलब ऐसे कि जब भी फ्री टाइम होता है, कुछ भी होता है, ठीक है चलो अभी कुछ भी लगा के कॉमेडी, तो मुझे मतलब मैं ऑल टाइम देखती रहती हूँ। बट आपका ऐसा है कि मुझे ऐसा लगा कि अगर शो देखना है तो मैं रजत का देखूंगी। मुझे पता नहीं क्यों इतना मतलब लैंग्वेज कह लो आपका, मतलब कोई नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ मैम, तारीफ मिल जाती है। और आप काफी इंटेलिजेंट भी हैं, और काफी इतना पेशेंस और इतना एनर्जी लेवल, माय गॉड, मतलब आप चार घंटे से कंटिन्यूस बोल रहे हैं, हम लोग बीच बीच में इतना पानी पी लिया, आप 3 घंटे तक तो मैंने देखा आपने पानी ही नहीं पिया था 3 घंटे तक। जब शो आपने कहा कि अभी मैं मेरा कंटेंट अभी मैंने अभी एंड कर रहा हूँ शो, वैसे हुआ नहीं, 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 नहीं नहीं मैम चलता रहता है एक्चुअली। पानी पीना, मैं बीच में बोल रही थी आप पानी पी लो। अरे मैम आप ले आती पानी, आप वो तो पानी मैम पूरे शो पे नहीं पूरे शो पे आशुतोष जी ने पानी फेरी दिया था, तो मैंने कहा कहां पीऊं पानी। वेरी नाइस, इट्स अमेजिंग। नहीं थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू आपको। या चलिए और कोई सवाल, और कोई सवाल? नहीं नहीं बस मुझे वही बोलना था कि आपका स्टाइल बहुत अलग है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रही हूँ, तो मुझे नॉर्थ इंडियन के बारे में बहुत अच्छा क्यूरियोसिटी रहता है, तो आपका जो स्टाइल है वो काफी फनी लगता है मुझे। नहीं बस हमारा भी अच्छा हो जाता अगर आशुतोष जी नहीं होते तो। ठीक है सवाल खत्म। हाँ सर भाई कोरोना खत्म होता ही मैं वैसे टिकट बुक कराऊंगा, एक जयपुर की टिकट बुक कराऊंगा, जयपुर आऊं। वेट कर रहा हूं कि आप यूरोप का ट्रिप करो कॉम्बिनेशन के लिए। अरे आप कहां पे हो दृष्टि, आप कहां पर हो? द्विती जी नाम है, द्विती। हां जर्मनी। अच्छा हम आप पहले शो में आए थे, एक बार पहले शो में आए थे जर्मनी में। इटली भी आ जाना फिर। हाँ क्लोज बाय। हाँ ये राजीव चौक रहा, राजीव चौक के साथ नेक्स्ट स्टेशन आपका भारत है, ये तो रहा। ये एक्चुअली इतना दूर नहीं है, फ्लाइट लेके लाइक 2 hours यू कैन रीच। आपको पता फ्लाइट लेने के लिए पैसे लगते हैं। इतना महंगा भी नहीं है, लाइक 100-150 यूरोस यू कैन पे। 150 यूरो ओनली, और अभी 80 रुपीस यूरो चल रहा है, तो बस 13-14,000 रुपए। सस्ता महंगा है, सस्ता है 100 रुपए का नहीं 1 रुपए का 360 यूरोस देन मे बी। अरे ठीक है तुम वो करेंसी कंसर्वेंसी कोऑर्डिनेटर्स मैनेज चलो ठीक है। आप तुम्हारा किस सबके सवाल खत्म? योगिता आपका सवाल था क्या? अभी आपका हाथ खड़ा हुआ है, अभी भी आपका हाथ दिख रहा है उस पे लगा हुआ। अच्छा मैंने ये नहीं किया, मैं ये बोल रही थी कि वो कंटेंट पे जैसे वैष्णवी गलत नाम लेना मुझे पसंद नहीं है, कोई आदमी गलत नाम के लिए किसी का तो चलेगा। इस शो का एक ही गुंडा है वो मैं हूँ। आपने इतनी बार बोल दिया नाम गलत हो गया मेरे से, तो उसने तो नाम चेंज करवा लिया, डॉक्यूमेंटेशन में भी चेंज करा लिया, इंस्टाग्राम पे चेंज करा उसने भी। इंस्टाग्राम पे रिस्पॉन्ड करती हूँ, वैष्णवी पे रिस्पॉन्ड करती हूँ। देख रहे हो अभी सिर्फ ये जब शो में आई थी तो सिर्फ एक नाम थी, आज तो 2 नाम हो गए। शो से कुछ लेके गई है, कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेके गई है। या प्लीज योगिता प्लीज यो। ये बोल रही थी ज्यादातर कॉमेडियन सारे नॉर्थ इंडियंस है, बट आपके साथ रिलेट हो रहा है, मैं भी एक्चुअली मुंबई बोल हूँ, सो मेरे को लग रहा है आप देख सकते हो आपके क्राउड ज्यादा मराठी साइड है, सो आई थिंक वी कैन कोरिलेट मोर विद यू। और अच्छा मुझे लगा कि हम दोनों को शादी करनी चाहिए, मुझे लगा आप ये बोलने वाले थे। ऑलरेडी बोल रही 100 लिस्ट लगा रखी हो, मैं तो रेस में ही नहीं लगती ऐसे। नहीं नहीं मैडम लिस्ट नहीं होती कभी भी, ये दिल के रिश्ते होते हैं मैडम, इस ये दिल के रिश्ते होते हैं मैम, इसमें लिस्ट नहीं होती कभी भी। आप कभी किसी को ऑप्शन मानोगे ना तो आप भी किसी दिन किसी के ऑप्शन बन जाओगे, याद रखना। ऐसे नहीं होता मैडम, जैसे निकिता जी ने बोला ना कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं हूँ।
चलो ठीक है, अरे नहीं आप सबके सवाल खत्म हो गए, सवाल किसी और का सवाल कुछ बोलना है सर, रोजी भैया बोलो, रोजी नीचे रोजी को बोलना, कौन, अच्छा ऋषभ जी प्लीज बोलिए। सर मुझे कहना था कि ये मेरा पहला ऑनलाइन शो है, बाकी सबका कौन सा 500 का शो है, इनका कौन सा रेडी लगाई थी उन्होंने, तो मैंने देखा कि आपका शो है आज, तो मैंने फटाफट बुक किया। अच्छा, इन्होंने भी फटाफट बुक किया, इन्होंने कौन सा लेजी होकर बुक किया था। अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉमेडी के साथ साथ बहुत कुछ आपने अपने एक्सपीरियंसेस बताया, शेयर किए, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट किया, मुझे बताया था कि आप इतना इंटरेक्ट करोगे शो में और बहुत कुछ सीखने को मिला कॉमेडी, तो इसके 2000 रुपए लगते हैं सिखाने के, मैं 2000 रुपए से लेता हूँ। तुम यार काफी, कोई आदमी 200 रुपए कमा ले, 300 रुपए कमा ले, कोई दिक्कत है तुम लोगों को यार, तुम लोगों को यार काफी कनेक्टेड ठीक रहा है, ऐसा लग रहा सब कनेक्टेड है और पूरा सेटिस्फेक्शन मिला, पैसा वसूल लग रहा है, सेटिस्फेक्शन फुली सेटिस्फाइड। अपने आप ही हंस रहे हैं लोग, अपने आप ही हंस रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छा अब आशुतोष जी का सवाल, आशुतोष जी सवाल पूछ लीजिए, आप रह गए बस, आपको पूछना है प्लीज। निधि आप कुछ पूछना, निधि निधि आप, सॉरी सॉरी आशुतोष निधि प्लीज, निधि प्लीज एक मिनट रुक जाओ, आशुतोष जी आपका लास्ट में या एक्चुअली मतलब हम मेरा एक फ्रेंड भी आने वाला था, वो आपका बहुत बड़ा फैन है, उसने मुझे बताया था कि मतलब आपके शो के बारे में, और आपने टिकट बुक करके आप चुपचाप देख लिया। एक्चुअली हम लोग वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स, तो उसका आज ड्यूटी है नाइट ड्यूटी, तो उसको आना था पर वो हो नहीं पाया, तो लाइक या मतलब उसको बोल देना कि उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ मिस कर दिया जो कर चुका था वो। इतने कूल कूल पीपल, इतने कूल कूल पीपल थे, आशुतोष जी नहीं थे, बस आशुतोष जी को डालो तो सब कूल कूल पीपल। उसको उसको आप रिकैप दे देना, रिकैप देना कि एक बंदा जिसकी गर्लफ्रेंड 2 महीने पहले बटी और पेजेंट जीत गई, एक बंदे ने ये सोचा ही नहीं कि गप मारने का भी लिमिट होती है, कुछ भी फेंक दो यहाँ पे सब रिसीव कर लेंगे, एक बंदा जो मर्चेंट नेवी में बाल ही बनाया जा रहा है, आदमी सी में ऐसे ट्रेवल करता है ये वर्टिकली ग्रो कर रहा है, ऐसे बनाया जा रहा है आदमी, एक बंदी बैठे बैठे खाते खाते दो दो बर्गर चाट गई, पैसे दो बार खाए मैं बर्गर खा गई बैठ के यहाँ पे बैठ गई, वो बंदी भगवान लेके मैगी, भगवान लेके मैगी, और फिर मैं उसका पानी बचा था, पानी बचा था, पानी भगवान लेके पी गई मैंने देखा है आज ये लाइव, कम से कम पानी तो ना पिए ना, ऐसे पानी तो ना पिए ना, भगवानी का अधिक है पी गई वो, एक लड़की थी जो अपने अपने भांजे के साथ बैठी थी, तब तक वो बड़ी लग रही थी, जैसे ही वो भांजा गया अचानक वो 18 साल की लड़की बन गई, समझ रहे हो। बाकी आशुतोष जी के बारे में इसलिए बोलना कि भैया बोलना ही नहीं है, कितना बोले मैं इनके आदमी के बारे में, एक लड़की पिज्जा कर रही है, एक लाइजा करके नाम है, मुलायजा लजायजा लेबिनीज लस्ट, सब 10 वर्ड निकल गए बट सही वर्ड नाम नहीं आया उस बंदी का, समझ लो, एक बंदा जिसका नाम ही आशिक है, आशिक खत्म ही, कसम कसम, मतलब बीवी बोले मेरा पति आशिक है, आशिक नहीं बोलेगी, ऐसे बोलेगी मेरा पति आशिक है, आशिक ये तो शो चल रहा है हमारा। बोलना आखिरी में दो लड़के इसी बात पे लगे कि डॉलर 80 रुपए चल रहा है, यूरो डॉलर 500 चल रहा है, बंदे इसी बात पे बहस कर रहे हैं, बताओ कि टिकट कितने की पड़ेगी, टिकट सस्ती पड़ेगी, मेरे को आना मैं आ जाऊंगा अपने आप, टिकट ऐसे करें जैसे इन्होंने चलाना है प्लेन, इन्होंने बैठ के बातें कर रहे दोनों बैठ के यहाँ पे, बर्गर खा गए बैठ के, बर्गर खा गए, बर्गर जैकेट पहन के बैठे हुए हैं दोनों, अलग अलग बातें कर रहे हैं फालतू की, ठंड है जैकेट पहनना पड़ता है। तुम अपनी मैगी का पानी पियो, तुम अपनी मैगी का पानी पियो बस, तुम जो खुद हांडी में पोड़ मैगी खा रहा हो ना, दूसरे के घर की हांडी नहीं तोड़ता वो, आखिरी में हांडी ऐसे करके और उसका ना एक ड्रॉप गिरी, ड्रॉप ऐसे कर गई है, ऐसे ड्रॉप करके ऐसे जीप पे लगाई है, मैंने देखा है वो, ऐसे कौन करता, बताओ मैगी खाता कोई, बताओ आप मुझे बताओ ना यार, बर्गर खाती हो हाँ, तो ऐसे थोड़ी खाता कोई बर्गर। रजत मेरी बारी, हेलो
मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। नहीं आशुतोष जी प्लीज प्लीज आशुतोष जी प्लीज। अच्छा अब पहली बात की थैंक यू वेरी मच रजत, मतलब आप ये दिन 10-10-20 हम 10-10-30 में भी याद रखेंगे। बंद करो यार ये शो, 10-10-20 हो गए, पता नहीं मैथमेटिक्स के टीचर हो गए, 10-10-20 कर जा रहे हैं बार बार। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। अच्छा अरे मजाक करो, चलो सुनो You definitely made our day, so thank you so much for it. And सही में सुबह से इन्होंने बस सोया है, because she was unwell. And सिर्फ आपके शो के लिए वो उठ के बैठ गई. And laughter has definitely been the best medicine for her. So thank you so much for that. Thank you so much. Comedians तो बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन इतना humility हमने किसी में नहीं देखा है जितना आप में है. आपने कितने देखे हैं कॉमेडियन? अरे नाम ले रहा, अरे मजाक करो, नाम ले रहा भाई, नाम मत लेने यार। मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ, मैं खुद का नाम लेने वाला था। नहीं इन दैट केस यस आई एम वेरी हम्बल, इन दैट केस आई एम वेरी हम्बल, या श्योर शॉट आई एम द किलर क्लियर विनर। तुम अपनी मैगी ध्यान रखो, तुम बकवास ना करो बीच में। तुम लोग ना बड़े बुरे लोग हो यार, ये ना ये लोग भी चाहते, ये लोग ना जानबूझ के मजाक करते हैं। ले लिया आपका दुपट्टा। Nakul, Nakul, are you still dating somebody? Huh? Is it the same girl or different girl? Same. Oh, beauty pageant one. Beauty pageant one. Huh. Online beauty pageant. one life. नहीं नहीं उसके पहले काफी हुए, फिर अच्छे से देख के फिर सोचा कि हाँ, अच्छे से कैसे देखा आपने, अच्छे से कैसे देखा बताइए। एक आपको पता चलता है बात करने के तरीके से कि लोग कैसे हैं आप। अच्छा आपको पता लग जाता है। आशुतोष जी के बारे में बताइए आप, बस आप आपको छोड़िए, आप आशुतोष जी के बारे में बताइए कि क्या है आप। इतना ज्यादा भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है क्या? चूम के मानोगे उनको, चूम के मानोगे तुम, इंटरेक्शन नहीं हुआ तुम्हारा। चलो नहीं ऐसे ये तीन तुम लोग यार मुझे ऐसी बातों में लगा तो मैं ना इतना बड़ा प्यारा इंसान भोला बच्चा हूँ मैं बहुत। तुम लोग मुझे बिगाड़ रहे हो, तुम लोग यू आर स्पॉइलिंग मी एंड स्पॉइलिंग ऐसे नहीं सारी स्पॉइलिंग, यू आर स्पॉइलिंग मी, डोंट स्पॉइल मी ओके प्लीज। आप प्लीज अरे नहीं नहीं ऐसे अगली बार हाँ. प्लीज आप लंदन नहीं नहीं, नहीं आप बताना अगली बार, आप बताना भैया आप बताना। आप प्लीज लाइव आ जाओ लंदन, आपसे जरूर मुलाकात करने की बहुत। अरे सर मैं पक्का सर दिस आई थिंक आई रियली हैड अ गुड टाइम, मतलब और आप लोगों ने उतने ही प्यार से मतलब उसको एक्सेप्ट किया और आपने एंजॉय किया, एक्सेप्ट आशुतोष जी, हमने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। मैं तो कमीशन मांगने वाला हूँ आपसे, आपके शो के मैंने बराबर हिस्सेदार हूँ अभी। ये लो कमीशन एक रुपए शगुन का एक कैश। हेलो कैश वो मैं शगुन मान के ले लूंगा आपसे। इससे में आईफल टावर भी है। हाँ इससे आईफल टावर भी है जो आपके पीछे में लगा है। हर्षा इस बात का लॉजिक बताओ, इस बात का लॉजिक बताओ, तुम्हारे इसके पीछे डंबल रखे, हमने पूछा कि क्यों रखे हैं इस बंदे ने, हमने बोला रखे हैं। हर्षद हर्षद तुम ही समझ पाई हो मुझे। रजत मैं ऋषभ को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, वो रविंद्र जडेजा जैसे दिख रहे हैं, तो ही हैज अ करियर इन मॉडलिंग एज वेल। नहीं बाकियों में बाकी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, वो बेचारी रात के 2 बजे तैयार होकर बैठी है, लाइज दरवाजे बैठी है वो, ये हर्षा ने पूरा अपने भांजों को लात मार के बैठ गिराया नीचे, आप नहीं देख रहे आप, उनको तारीफ नहीं कर रहे आप।
उसकी तो तारीफ नहीं कर रहे आप, वो जो दृष्टि है, दृष्टि दृष्टि दो बर्गर के बाद वाइन पीने के बाद फिर से कहवा पी रही है बैठ के यहाँ पे, आपने उसकी तारीफ तो नहीं करी। सब लोग बहुत प्यारे हैं, थैंक्स टू यू, हम सब, बस आप नहीं हो, बस हम नहीं, हम मत बोलो, एक्सक्यूज मी, डोंट मिक्स अपने आप को इसमें मिक्स करके, हम सब प्यारे हैं, हम नहीं बोलो, ये लोग प्यारे हैं। स्वाति जी कैसे खेल रहे हो आप? स्वाति जी मैं आपसे लंदन में आऊंगा ना, मैं आपके लिए 2-3 दिन रुमाल लेके आऊंगा ताकि आप रो सको। बट कोई बात नहीं भाई साहब, 2 बज चुके हैं जिनको आइडिया नहीं है, 2 बज चुके हैं। वैशाली पुणे में कितने बज रहे हैं? लेट शो ऑफ दिस, लेट शो ऑफ ना, जर्मनी को शो करें ना कितना बज रहा है हमारे यहाँ, हम भी तो है ना, तुम्हारा कितना बज रहा है? 4 मिनट। हाँ तो 2:04 बज चुके हैं। और रोजी जी आप बहुत अच्छे हैं कि आप आए शो में, आपका पहला शो था या आपका पहला शो था? यस मैम, होप आपको कौन सा वीडियो अच्छा लगा जिसको लगा कि इसको देखना चाहिए, इस इंसान को देखना चाहिए? आई हैव सीन ऑल ऑफ योर वीडियोस। ऑल ऑफ माय वीडियोस मैम? यस। तो आपको पता था कि लोगों की थोड़ी खिंचाई होती है इसमें, खिंचाई होती है? आई न्यू दैट। बट मैम, बट डू यू कंसीडर इट एज अ बेइज्जती? बिकॉज़ समहाउ द ओनली थिंग व्हिच आई फेल्ट बैड अबाउट इज इट्स नॉट बेइज्जती, बिकॉज़ हमेशा ना वो लोग सिर्फ वो पार्ट देखते हैं जिसमें थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है। दे आप जब पूरा शो देखोगे तो आपको लगेगा नहीं उसमें मजा था। Yes, तो मेरे को लगता है कई बार वो शायद एक वो जो डिल्यूजन कह लो या जो कि मिस इंटरप्रिटेशन है, मुझे उससे थोड़ी सी चिढ़ मचती है। कौन है जो वॉशरूम कर रहा है? अच्छा, अरे भैया दृष्टि रुक गई है, दृष्टि रुक गई भाई, द्वितीय रुक गई है भाई साहब, देख रहे हो आप, रुक गई उसका स्क्रीन। हाँ, जी तुम्हारा क्यों नहीं वीडियो फ्रीज होता? आप बहुत प्यारे लोग हो, मुझे बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि शायद ये कारण ऐसा है कि मुझे पता है कि आप में से किसी के भी जाने का मन नहीं है, मुझे पक्का पता है। मेरा बिल्कुल नहीं है। आशीष जी को तो निकालने का मन है, आशीष जी को तो हमें निकालने का मन है। यही कहता हूँ कि जब आप शुरू में शो में आए थे, मेरा नाम लिया है ना आज, मेरी माँ ने और मेरी बीवी ने दोनों ने मेरा नाम इतना नहीं लिया है जिंदगी में। अरे ही इज गोइंग टू स्टॉक यू नाउ। तो आशुतोष जी अगर मेरा नाम, मैंने आपका इतना नाम लिया तो आपकी बीवी ने इतना कम नाम लिया तो दिक्कत है आपके लिए। ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए नहीं है, ये धब्बा आपके लिए है। अच्छा, इस बात में लॉजिक था। मुझे पता है कि तुम्हारे ये दर्द कर चुके हैं, मजा आ गया, तुम्हारे को आनंद आ गया। वैसी वाली बात है, कभी जिंदगी में टकराए तो मिलके टकराएंगे, अच्छी तरह स्माइल करते हुए एक दूसरे को देखेंगे, कहीं भी मिले मिल जाना, हाय हेलो कर लेना, मैं किसी के साथ में बैठा हूँ कहीं बैठा हूँ, मिल लेना, कभी कोई दिक्कत नहीं है। आशुतोष जी आपके लिए नहीं है ये। स्वाति जी आप मिल जाऊंगा, आपसे मिल लूंगा मैं, स्वाति जी आपसे मिल लूंगा, मैं गले लग जाऊंगा सर, मैं गले लग जाऊंगा, मैं कांटे वाली जैकेट पहन के आऊंगा, कैक्टस पहन के आऊंगा मैं। ये आदमी मतलब ना, मैं बता रहा हूँ स्वाति जी, स्वाति जी कोई बात नहीं, स्वाति जी बुरा मत मानिए, मजाक कर रहे हैं, वैसे वो मजाक ही है, स्वाति जी बुरा नहीं मानना, बुरा तो नहीं मान रहे ना? अरे उनको बहुत मजा आ रहा है भाई साहब, पति की बेइज्जती के बाद जो नींद आएगी ना सौरभ को, नींद आएगी आज। आज अगर उन्होंने खराटे भी बोला ना, आशुतोष ऐसे तो वैसा वाला, बट ठीक। बट विशाली यू वर सो स्वीट एंड गिव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर ईच ऑफ यू, जो आप इतनी देर तक रुके, कोई मतलब नहीं था, हमने नकुल हो गया, नकुल, आशिक, आशिक, हर्षा, आप कोई सवाल नहीं? नहीं नहीं सवाल नहीं है, इतना देर अगर मैं ऑफिस में बैठ गया होता तो प्रमोशन हो गया होता अभी तक। बैठे क्यों नहीं, तो बैठे क्यों नहीं, किसने रोका तुम्हें? सामने में इतना अच्छा होस्ट नहीं रहते ना, सामने में मैनेजर रहता है बहुत, सामने मैं होस्ट, मैं होस्ट। अच्छा, कुल भगवान करे आपकी गर्लफ्रेंड आपको मिल जाए, आप अपने बर्थडे में बना लो, उससे बात कर लो, बना बात कर लो, बुरा मान जाएगी। हाँ, बात कर ली, मान चुकी हूँ। यही ना, ये वाला ओवर कॉन्फिडेंस मुझ में आ नहीं पाया अभी तक।
Then the kabhi kabar what I lack is about this old, but this old delusion about me. See, I'm so good. ये आ नहीं पाया कभी भी. राजन जी मेरे साथ रहा कीजिए आ जाएगा. अरे पर आप आशुतोष जी के साथ रहिएगा ये. आप दोनों लिथल कॉम्बिनेशन, एक अग्नि एक जल. टेन कैप्टन प्लैनेट. मैं सोचा था कि शो अच्छे एंड पे करूंगा, आखिरी में इसने गलत बात बोल के एंड खराब कर ही दी ना पूरे शो का. चलो ठीक है, बाय बाय एंड यू मी लव योर ऑडियंस. चलो बाय बाय.